नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ कंचन। खबर सीधी जिले से है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खंड मंझौली द्वारा विजयदशमी के शुभ अवसर पर पथ संचलन व शस्त्र पूजन कार्यक्रम संपन्न कराया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ 18 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से एकत्रीकरण व ध्वज पूजक के साथ सरस्वती विद्यालय मंझौली से किया गया, जिसमें देवी स्वरूप कन्याओं को सजा धजा कर भारत माता की झांकी के साथ स्वयं सेवा घोष की ताल पर कदम से कदम मिलाकर चलते हुए 5 किलोमीटर की दूरी तय कर समापन कार्यक्रम कलावती पूर्व माध्यमिक विद्यालय चुवाही में SR भाटी ग्रंथपाल शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय मंझौली के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। यहां पर विशेष अतिथि के रूप में खंड संचालक लालमणि पांडे, सहविभाग कार्यवाहक विनोद जायसवाल, मुख्य वक्ता कृष्णाकांत मंजासीन रहे। इस अवसर पर ध्वज पूजा, कन्या पूजा, एकल गायन, सामूहिक गायन के साथ उद्बोधित किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि और विशेष अतिथियों द्वारा संघ के उद्देश्यों व कार्य से अवगत कराया गया। मुख्य वक्ता द्वारा ये भी कहा गया कि हमारे सर संघ संचालक का कहना है कि जब लोग संघ से जुड़कर 2-3 साल तक उसके उद्देश्य और कार्य को समझेंगे, देखेंगे, तब जान पाएंगे कि संघ क्या है। यहाँ पर जानकारी देते हुए बताया गया है कि संघ की स्थापना 1925 में विजयदशमी अवसर पर की गई थी। तब से हर वर्ष विजयदशमी पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर विधायक कुंवर सिंह के काम के साथ क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी शामिल रहे।